गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। बीती रात तकरीबन 2 बजे गुरुग्राम के नाथूपुर इलाके में एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहां पर बनी हजारों झुग्गियों में अचानक आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि पूरे इलाके की लगभग 700 से 800 झुग्गियां इस आग की चपेट में आ गई। आग किस वजह से लगी, इन कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक थी। गनीमत ये भी रही कि इस पूरे हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है, कोई हताहत नहीं हुआ है। रात तकरीबन 2 बजे दमकल विभाग को इस पूरी घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद गुरुग्राम के अलग अलग दमकल केंद्र से दमकल की लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां मौके पर भेजी गई और तकरीबन 6 से 8 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद इस आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग के कर्मचारी कड़ी मशक्क़त के बाद आग बुझाने के बाद अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं कि कहीं इस हादसे में किसी की मौत तो नहीं हुई है, कोई इस आग की चपेट में तो नहीं आया है। गुरुग्राम के सेक्टर 29 दमकल केंद्र से 3 गाड़ियां, इसके अलावा उद्योग विहार से 2 गाड़ियां, भीमनगर से 3 गाड़ियां और जो सेक्टर 37 है दमकल केंद्र, वहाँ से भी लगभग 3 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। मारुति और जो DLF की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनको भी मौके पर भेजा गया ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। दमकल विभाग के कर्मचारियों के सामने एक बड़ी मुसीबत ये थी कि झुग्गियों में जब आग लगी तो वहाँ पर रखे गैस के छोटे छोटे सिलेंडर भी ब्लास्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से जान का ज़्यादा खतरा था, लेकिन फिर भी एहतियात बरतते हुए दमकल विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों ने रात भर मेहनत करके इस आग पर काबू पाया। आग की वीडियो वहाँ पर आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने बनाई, जिन्होंने हमें वो वीडियो भेजी है, वो तस्वीरें भी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि कितनी भयानक आग थी। पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ था, लोग शोर मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि आग इतनी भयानक लगी थी और जिनके सामने जिनका घर जल रहा हो उनको दुख तो होगा ही। इस पूरी घटना में अब तक 700 से 800 ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि तकरीबन इतनी झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। दमकल विभाग के कर्मचारियों की मुस्तैदी के चलते, उनकी मेहनत के चलते तकरीबन 500-600 झुग्गियां बचा भी ली गई हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में नाथूपुर में झुग्गियां बनी हैं और लगभग हर साल इस तरह की घटना इस इलाके में सामने आती है जब झुग्गियों में आग लग जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर किसी इलाके में इतनी भारी तादाद में झुग्गियां बनाई जा रही हैं तो उनको ब्लॉक्स में बनाया जाए तो ज़्यादा वो सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि अगर इस तरह की घटना होती है आग लगने की तो फिर वो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में आग को जाने से रोका जा सके और इतना बड़ा जो हादसा होता है उसको होने से रोका जा सके। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर किसी इलाके में इतनी भारी तादाद में स्लम्स हैं, झुग्गियाँ हैं, तो उनमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए। यहाँ पर इतनी झुग्गियाँ जलने का मुख्य कारण यही है कि एक ही जगह पर तकरीबन 1500 से ज़्यादा जो झुग्गियाँ हैं वो बना दी गई थी। अब इस आग के कारण क्या है, किस वजह से ये आग लगी, वो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन गनीमत ये है कि इस पूरे हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है अभी तक की जो जानकारी है, कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। लेकिन जो गरीब लोग हैं जो इन झुग्गियों में रहते थे उनका सारा सामान जलकर खाक हो गया है और उनके सर से छत छिन गई है। आज रात लगभग 2:08 पे फायर स्टेशन सेक्टर 29 पर श्री विजय यादव द्वारा सूचना दी गई कि नाथूपुर गांव में झुग्गियों में भयंकर आग लगी हुई है। इसी दौरान पब्लिक के कुछ व्यक्तियों द्वारा नेट से मेरा नंबर सर्च करके मुझे सीधे तौर पर भी सूचित किया गया। उनके द्वारा सूचना दिए जाने के दौरान मुझे आवाज़ आई कि उस घटना में सिलेंडर विस्फोट हो रहे हैं। मैंने तुरंत भीमनगर, उद्योग विहार और सेक्टर 37 की सभी गाड़ियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। सेक्टर 29 से भी सभी गाड़ियां मौके पर भेज दी गई। मैंने तुरंत फायर ऑफिसर श्री पंकज पराशर को भी मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। कुछ ही समय उपरांत जब सभी गाड़ियां मौके पर पहुंच गई तो आग को कंट्रोल किए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई और लगभग 6 बजे आग को कंट्रोल कर लिया गया। इस प्रयास में हमने लगभग 500 झुग्गियों को जलने से बचा लिया। इस घटना में किसी भी व्यक्ति के या किसी बच्चे के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है और 8 बजे आग को पूरी तरह बुझाकर
लगभग सभी गाड़ियां वापस दमकल केंद्रों पर पहुंच गई। पिछले एक सप्ताह से गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जरूरत है कि एहतियात ज्यादा से ज्यादा बरती जाए और अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया जाए ताकि दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर आकर इस तरह की घटना को बड़ा होने से रोक सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए। नमस्कार।